मेरा नाम सैयद ज़ाहिद हुसैन है और मैं सबसे ये नहीं कहता सीनियर हूँ, लेकिन आई एम द सीनियर मोस्ट मेंबर। आज से कोई 35-40 साल पहले मुझे मेंबरशिप मिली थी, लेकिन मैं इनएक्टिव रहा। फिर एक्टिविटी का जब मौका मिला तो मखदूम रियाज मेरे पास आए, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, इन्होंने मुझसे कन्विंस किया कि आप आएँ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और नोबल कॉज है। तो मैं आया, गवर्निंग बॉडी में मैं था, फिर उसके बाद मैं इनके साथ दीगर एक्टिविटीज़ में भी था। लेकिन मैं एक चीज़ में बताऊँ आपको कि आने की एक और वजह थी। वजह ये थी कि ये PACC जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, और दूसरी चीज़ ये नॉन पॉलिटिकल है। मुझे इन दो चीज़ों की वजह से बड़ी सिक्योरिटी मिली, क्योंकि मैं तमाम उन ओहदों पर रहा पर जहाँ पर मुझे इन चीज़ों से दूर रहना था। ना मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ना मुझे कोई और किसी किस्म की ख्वाहिश थी। तो लिहाजा ये नॉन पॉलिटिकल होना PACC का और नॉन प्रॉफिटेबल, ये भी नहीं है कि इन्होंने कोई प्रॉफिट बनाना है। तो ये पैसे जो जनरेट होते हैं लोगों की फ़ीस से होते हैं, लोगों को जो यहाँ से ऑडिटोरियम देते हैं उनसे पैसे बनते हैं, और जो सोशल प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इनका रोल है उसमें से होते हैं, ये करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इट्स बिग ऑनर। परफॉर्मेंस में अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं 2 साल यहाँ पे गवर्निंग बॉडी में था, तो मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि शायद इतनी एक्टिविटीज़ ना हुई हूँ जिस तरह हमारे जाने के बाद मखदूम साहब ने इसको एक्टिवेट किया। और मैं इसे विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन से दिस थिंग, ही इज़ ए सेल्फलेस पर्सन। कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चीज़ यही है कि ही डिड एवरीथिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसी तरह हुआ, इन्होंने हमेशा नहीं रहना और लोग आते रहेंगे, लेकिन ये कि लोगों के लिए एक मिसाल मिलेगी कि लोग अगर सेल्फलेस हों हर चीज़ कर सकते हैं। जितनी एक्टिविटीज़ इन्होंने करवाई हैं, आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट हिम। और मैं दुआ करता हूँ कि इसकी पूरी टीम जो मेरे दोस्तों के साथ है, वो सारे के सारे इसी तरह इसके साथ काम करते रहें, और हम सब मिल के इनके साथ काम करेंगे, चाहे हम सामने आए ना आए, विजिबल ना हों, लेकिन वी आर टुगेदर। अल्लाह इनको कामयाबी दे। मुझे और इस चीज़ की खुशी है कि आज के दिन जैसे कि मैं ये आया हूँ यहाँ पे, मैं ये चीज़ ये एक्टिविटीज़ हमसे क्यों नहीं हुई। तो ये एक्टिविटीज़ करने का मतलब ये होता है कि वी वांट टू रिमेन अलाइव एक्टिव। थैंक यू वेरी मच।